जिला कांगड़ा के तहत राजा का तालाब की ग्राम पंचायत गोलमा के सथेरा गांव के बीएसएफ के जवान सुनील कुमार की पार्थिव देह उनके पैंतृक गांव में पहुंची। बीएसएफ की गाड़ी से पार्थिव देह को उतारते समय परिजनों की चीखों पुकार से पूरे गांव में मातम छा गया। जवान की माता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। परंपरा का निर्वहन करते हुए हेड कांस्टेबल सुनील कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सथेरा के मोक्षधाम में किया गया। जवान के 10 वर्षीय बेटे आकर्ष ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर उनके सैकड़ों चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। उसको मैं की थी और 3-4 दिन पहले की थी ना। अच्छा, 5-4 दिन बाद मुझे फोन करता था। अच्छा, जब ड्यूटी से आता था ना जी, तो मुझे फोन करता था। फिर मैं किता फोन पर तैयारी डॉक्टर हुई जी उसकी। अच्छा अच्छा, तो दाड़ी में तालू कराई तो खत्म हुई है, मुझे ना पता। अच्छा, बाकी सारे पता तो खत्म हो गई। दो बेटे। अच्छा, वो छोटे थे? ये बड़े थे। ये बड़ा था। अच्छा, ये बड़े बेटे थे। अच्छा अच्छा, जेड़े छोटे दी डेथ हुई वो कुछ टाइम हुई थी उन्हें, मतलब कितना टाइम? 4 साल पहले। जिस दिन खत्म हुए थे उस दिन मेरे को कॉल आया था कि डेथ हो गई, बस फोन छोड़ के मेरे को कोई पता नहीं मैं क्या कर रही थी। अच्छा, ये 18 को था, कब बोल गई, जिस दिन खत्म हुआ उस दिन ही फोन कर दिया था। अच्छा अच्छा, बस एक दिन पहले। अच्छा अच्छा, तो क्या बोला था उन्होंने? कुछ नहीं बोला, बस ये पूछा आप ठीक ठाक हो, मैंने बोला हाँ ठीक है, बच्चे से बात की आप ठीक हो, बोले हाँ ठीक है, फिर मेरे से की बच्चों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, आप ठीक हो, मैंने बोला हाँ ठीक, फिर काट दिया फोन। ऐसे बीमार थे थोड़े, इधर नागपुर में भेजा था, ठीक हो गए थे अब तो। अच्छा, बड़ी दुखद घटना है, सारा इलाका पूरा मातम के माहौल, पूरा गमगीन है। सुनील कुमार बीएसएफ में कार्यरत था और बहुत ही मिलनसार स्वभाव का ये नौजवान था। परिवार पर दुखों का पहाड़ अपड़ा है और ये जो विपदा की घड़ी है, इस परिवार ने 4-5 साल में 4 व्यक्तियों को खोया है। इसका छोटे भाई की भी अचानक मृत्यु हुई, पिताजी 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। अब यही था एक घर का कमाने वाला मेन, इसके जाने से घर पूरी तरह से टूट चुका है।